वेलकम टू दिस डायनेस्टी। जैसा कि आप सब लोगों ने दोस्तों देखा लास्ट वीडियो में कि मेरी लाइफस्टाइल चेंजेस कितने हुए। पहले मैं ऑफिस से काम कर रही थी, अब मैं घर पे आ गई। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्या हुआ, हेयर फॉल, कोई केयर नहीं हो पाई मेरे बालों की। तो इसलिए आज ये वीडियो डेडिकेटेड है हेयर सॉल्यूशंस को, जो कि मेरा हेयर लॉस प्रिवेंट करेंगे और मेरे जो स्कैल्प है उसका पीएच लेवल मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट्स मुझे डिलीवर हुए थे सेबामेड की तरफ से, जिसमें एक एंटी हेयर लॉस शैम्पू है, एक क्लेंजिंग फोम है। ये मुझे शैम्पू के लिए शूट है। बेसिकली शैम्पू बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन है वो पीएच 5.5 मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्लस एंटी हेयर लॉस प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। दिस इज़ अ जर्मनी बेस्ड कंपनी, तो हम ट्राई करते हैं इसको। सो फ्रेंड, ये करंट हेयर कंडीशन है मेरी, जिसमें मैं ये स्कैल्प आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का है। मैं बहुत ही ज़्यादा रियल शूट करना चाहती हूँ, ताकि कोई भी फेक जस्टिफिकेशंस इस वीडियो में नहीं हो, जो भी क्लेम्स हैं रियल हैं। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ हेयर फॉल जो मेरा हुआ हेयर वॉश के पहले। लाइक लिटरली काफ़ी हेयर लॉस हो रहा है अभी, और ये तो सेकेंड टाइम का है। और भी एक बार अर्ली मॉर्निंग में निकाल चुकी हूँ बाल, उसके बाद ये देखिए इतने बाल मेरे टूटे हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्लिप में आप देख पा रहे हैं आई एम राइट आउट ऑफ द शावर। मैंने कोई कोम वगैरह भी नहीं किया है। जो नेचुरल इफेक्ट था शैम्पू से, मैं आपको वो दिखाना चाहती थी। बालों में एक अलग ही बाउंस आ गया है। सो हेयर वॉश के बाद आप देख पा रहे हैं कितना लेस हेयर फॉल हुआ है। ये मुश्किल से 5 to 10 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर होंगे। सो फर्स्ट वॉश में ही इतना इम्प्रूवमेंट आया है, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि आगे भी बहुत अच्छा होगा। सो फ्रेंड, दिस वॉज अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज इन प्रोडक्ट्स को जरूर ट्राई कीजिए, बिकॉज ये केमिकली टेस्टेड, डर्मेटोलॉजिकली प्रूवन अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एंड इफ आई एम सेइंग सो, दैट मीन्स ये मैंने यूज किया है। आपको पता है आई नेवर डू कोलैबोरेशंस विदाउट ट्राइंग इट पर्सनली ऑन माई सेल्फ। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्टे लिट।